साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप मेरी लिखी हुई अब तक की बेस्ट ई बुक आप फ्री में पा सकते हो। इसीलिए जरूरी है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। उसमें वीडियो के बीच में कहीं भी आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को आप नोट करिएगा, फिर फेसबुक पे फाइंड करिएगा मेरा पेज जोगल राजा लव टिप्स। आपको उस पेज को फॉलो करना है एंड बस वो कोड मुझे मैसेज कर देना। हर दिन 3 लकी लोगों को मैं फ्री में उनके नंबर लेकर उनको व्हाट्सअप पे ई बुक सेंड करूँगा। थैंक यू सो मच। मैंने अपने पहले रिलेशन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, उन गलतियों के कारण ऑलमोस्ट मेरा पहला रिलेशन ऐसा ही खराब हो गया, तबाह हो गया। लेकिन दूसरे रिलेशन में आने के बाद मैंने उन गलतियों को नहीं किया, मैंने पहले रिलेशन की गलतियों से सीखा। क्योंकि तब तक ये समझ में आ रही थी कि पर्सन को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे रखते हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या चीज़ें करने से हमें रिलेशन में नुकसान होता है, क्या चीज़ें करने से रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर उसके बाद मैंने कई लोगों के रिलेशन में यही चीज़ देखी है कि अगर कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत बेसिक बात है, अगर हम रिलेशनशिप में वो भी हमेशा के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 90% चांस बन जाता है कि आपके साथ वो कभी नहीं होगा। कि पार्टनर इग्नोर कर रहा है, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया या उसने धोखा दे दिया, आपकी इन्हीं चीज़ों के कारण आपका पार्टनर आपको हमेशा पसंद करेगा, आपको हमेशा प्यार करेगा। तो बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की वही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ ये होती है दोस्तों कि ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आप क्या हो बाहर से या अंदर से वो कुछ भी चीज़ें मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप अपने आप को अपने पार्टनर के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है कि आप कैसे दिखते हो, आपके पास क्या है। रिलेशन बनने से पहले जब आप इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, रिलेशन बनने के बाद आप रियल में कैसे पर्सन हो, रियल में कैसे पार्टनर हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। पर मैं आपको कहता हूँ कि आप बाहर से क्या हो या अंदर से क्या हो, उन सारी चीज़ों का फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये जानते हो कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्या बातचीत करनी है, कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी इन्हीं चीज़ों के कारण आपके पार्टनर के माइंड में आपकी एक आइडेंटिटी बनती है कि भाई आप एक ऐसे पर्सन हो। अब आपकी उन चीज़ों के कारण आइडेंटिटी बनती हो, आप जो रियल में हो वो तो उनको पता ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि एक साधारण पर्सन होता है, हमने देखा होगा ना कि सिंपल लड़की होती है, लेकिन लड़के उनके लिए पागल होते हैं क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंट ऐसे कर रही है लड़कों के सामने, या एक बहुत ही हैंडसम लड़का, पैसे वाला लड़का या बहुत अच्छा लड़का, ठीक है, उनको लड़कियां लात मार के भगा देती है क्योंकि वो अपने आप को एकदम लूजर की तरह प्रेजेंट कर रहा है। इन शॉर्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपके हाथ में होती है कि आपको अपने पार्टनर के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। और जो भी तुम्हारी हालत है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है या वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों का रिजल्ट है कि तुमने अपने आप को उनके सामने कैसे प्रेजेंट किया। उन चीज़ों का रिजल्ट नहीं है कि तुम रियल में कैसे हो। तुम अच्छे भी हो सकते हो, अच्छे नहीं भी हो सकते हो, लेकिन तुम्हें रिजल्ट इसका ही मिलेगा कि तुम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ कि लोग ना हमेशा कुछ से ज़्यादा बेटर लोगों को ही पसंद करते हैं। ये चीज़ें तुम्हें एकदम क्लियर होनी चाहिए माइंड में। अब तुम अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पार्टनर को ऐसा लगता है कि तुम में कुछ तो ऐसा उनसे बेटर है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लोग अपने से कुछ कम लोगों को पसंद करें। रेयरली, बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ क्लियरली जानते हो फिर भी उस पर्सन को प्यार करते हो, लाइक करते हो, तो वो आपको नहीं लगता कि आपसे बेटर है। ऐसा रेयरली होता है। मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसा ही होता है कि आपको उस पर्सन में कुछ पसंद होता है जो आप में नहीं है। तो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ अपने पार्टनर के सामने ऐसा ही प्रेजेंट करे हो। एटलीस्ट आपको ऐसे तो प्रेजेंट करना ही चाहिए कि आप उनके बराबर के हैं। अब गलती यहाँ पर यह होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते अपने पार्टनर के सामने कि तू तो इतना सही है, मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी तू मेरे साथ रिलेशनशिप में है, तू मुझको प्यार करता है। ये गलत चीज़ है, क्योंकि जिस दिन आपके पार्टनर ने ये मान लिया ना, समझो उस दिन से उनका आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बॉडी लैंग्वेज से, बातचीत से, हर चीज़ में एक कॉन्फिडेंस की तरह उनके सामने प्रेजेंट करो। तुम्हारे मन में ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि वो कुछ बड़े हैं, क्योंकि ये बात तुम्हारे माइंड में बैठ गई तो तुम लूजर जैसा फील करोगे, तुम लूजर जैसा फील करोगे तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा।
वुमन साइकोलॉजी की तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो हर रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा रिलेशन वही होता है जिसमें चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। किन चीज़ों को बैलेंस करना है आपको और आप दोनों को कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अब बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब हम अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, तो फिर वो हमसे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारा प्यार हजम नहीं होता एंड वो इग्नोर करने लगते। ये बात सही है, पर ये बात भी सही है ना कि हम एकदम अकड़ू बन जाए, हम हमेशा एटीट्यूड में रहें, हम हमेशा इग्नोर करें, तो भी वो हमारे पीछे कोशिश करेंगे और थक जाएंगे फिर छोड़ देंगे। ये दो चीज़ों का बैलेंस रखना है आपको। कभी कभी उनको सरप्राइज देना है आपको, कभी कभी उनको स्पेशल फील करवाना है, वो सारी चीज़ें करनी है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस में करनी है। जितना अच्छा लगता है इतना करना है, हद से बाहर जाएगी वो चीज़ें तो नुकसान करेगी। आप बहुत एटीट्यूड दिखाते हो, बहुत ईगो दिखाते हो, वो भी लिमिट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि यार तुम्हारे पास आकर तुम कभी अच्छी बातें बोलते नहीं, कोई भी बार तुमने दो मीठे बोल बोले ही नहीं, तो फिर वो पर्सन मान लेगा कि नहीं इसमें कुछ मजा ही नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है ना कि स्वाद के अनुसार होनी चाहिए, कभी थोड़ा खट्टा लगे, कभी मीठा लगे, थोड़ा सा तीखा, थोड़े थोड़े स्वाद मिलेंगे तो वो चीज़ें अच्छी लगेंगी। सिर्फ तीखा खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, सिर्फ मीठा खाने में इंटरेस्ट नहीं बनेगा, कितना भी मीठा होता है लोग मीठा खा के भी बोर हो जाएंगे। तो बैलेंस बनाना ये है कि जो तुम ट्रीट कर रहे हो उन सारी चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज़ तुमने एक पकड़ ली ना तो समझ लेना तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है। ह्यूमन साइकोलॉजी की चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा आपको याद रखनी होगी कि भाई तुम कितने भी सही इंसान हो, कितने भी अच्छे इंसान हो, तुम जानते हो, तुम्हारा पार्टनर जानते कि तुम उनको कितना प्यार करते हो, पर ये बात ना कभी तुम्हें भूलनी नहीं जाए, कभी नहीं भूलनी जाए कि लोग सिर्फ अच्छे या रोने वाले इंसानों को पसंद नहीं करते, लोग हमेशा ना जीतने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अब तुम्हारी लाइफ में जस इस रिलेशन के सिवा, जस इस पार्टनर के सिवा भी एक चीज़ होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होनी चाहिए अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, तुम्हारे लाइफ के कुछ गोल होने चाहिए। और देखो, इस चीज़ में ये भी ध्यान रखो कि तुम अपनी लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, गोल है तो है ऐसा नहीं, एंड एटलीस्ट अपने पार्टनर जितना तो तुम उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो या उनसे भी अधिक दे रहे हो। क्योंकि यार मैंने जैसे पहले कहा ना कि लोग ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो जीतने वाले होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार तो इंसान अपने काम में अपने ड्रीम के लिए इतना पागलपन है, वो अगर मेरा पार्टनर बने तो मुझे भी इस दीवानगी के साथ चाहेगा, इस हद तक अच्छी तरह से वो मुझे रखेगा। पर तुम जस अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो, बहुत प्यार करते हो, फिर उस प्यार से लोगों को उबनाने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान जीतने वाला होता है ना उसके साथ लोग हमेशा अपना फ्यूचर रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि वो एक ताकत है, वो एक पावर है, एंड लोग हमेशा पावर के साथ, ताकत के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारी लाइफ में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो तुम अपने पार्टनर से ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंट मानते हो या इम्पोर्टेंट देते हो। ये चीज़ तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारी ओर हद से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। जो तुम सोचते हो कि मैं उनके लिए वो कर रहा हूँ, उनसे भी ज़्यादा ये चीज़ करने से उनको फर्क पड़ेगा। एक रिलेशनशिप में जो भी इंसान इन चार चीज़ों का हमेशा ध्यान रखता है, इन फॉलो करता है, तो 90% उनके चांस यहाँ पे बनते ही नहीं कि कोई पर्सन उनको इग्नोर करे या उनसे बोर हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक रिलेशन को सुपर बैलेंस करने में काम आती है। दोस्तों, आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ बात करना चाहते हो तो उनके साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे वीडियो फ्री में देखने के लिए इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।